देखिए मैडम, एक लो प्रेशर सिस्टम, इनफैक्ट एक के बाद एक दूसरा लो प्रेशर सिस्टम इस महीने का, ये आपका बंगाल की खाड़ी में बन के धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करके आपका अभी डीप डिप्रेशन बन के अभी गुजरात के ऊपर स्थित है। पिछले 2-3 दिन से इसका मूवमेंट बहुत स्लो है और ये अरेबियन सी से बहुत मॉइस्चर पुल इन करके यहाँ पर आपका एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, पहले सिर्फ गुजरात में, उसके बाद गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में, और कल और आज सौराष्ट्र कच्छ में हमें खासकर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का मिला है और चेतावनी भी है। इसीलिए आज रेड अलर्ट दे रहे हम सौराष्ट्र कच्छ के लिए। कल से ये वेदर सिस्टम धीरे धीरे और वेस्टवर्ड मूव करेगा, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल शायद ना रहे, सिर्फ वेरी हैवी रेनफॉल ही एकदम वेस्ट सौराष्ट्र वेस्ट कच्छ में होने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ देखेंगे तो एक और लो प्रेशर सिस्टम बनी हुई है अभी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, ये भी सिस्टम आपका धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करेगा। आज हम लोग वेरी हैवी रेनफॉल का चेतावनी जारी किए हैं दो जगह, यानी कि एक है आपका केरला और कर्नाटका, साउथ कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका रीजन, दूसरा है उड़ीसा, क्योंकि ये वेस्टर्ली फ्लो स्ट्रेंथन होगा तो यही दोनों में जगह में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। आज यही दोनों एरियाज में हमने ऑरेंज अलर्ट इशू किए हैं। कल हमारे उम्मीद है कि सिस्टम जितना पास आएगा और थोड़ा वेल मार्क्ड भी होने का संभावना है, इसके चलते हमारा कोस्टल कर्नाटका में और हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और बाकी केरला और इंटीरियर कर्नाटका में वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा, और उड़ीसा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में यहाँ वेरी हैवी रेनफॉल का बढ़ेगा, मतलब एरिया थोड़ा बढ़ जाएगी। आज जैसे एकदम कोस्ट के पास साउथ कोस्टल उड़ीसा, कल थोड़ा इंटीरियर और साउथ छत्तीसगढ़ में भी आपका अति भारी वर्षा होने का संभावना है। साथ ही साथ आपका विदर्भ, ईस्ट तेलंगाना और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी आज कल से हमारा अति भारी वर्षा होने का पॉसिबिलिटी है। यही सिस्टम जितना वेस्टवर्ड मूव करेगा, उसके चलते हमारा तेलंगाना आगे तेलंगाना विदर्भा और फिर उससे आगे आपका महाराष्ट्र और गुजरात और कोंकण, इन सभी इलाके में आपका वेरी हैवी रेनफॉल दोबारा डे 4 डे 5 यानी कि 1 और 2 तारीख को होने की संभावना है।